वार्ड क्रमांक 12 भोईवाडा परिसरात कचऱ्याची खूप मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण झाली आहे। या परिसरातील संबंधित नगरसेवकांना तक्रार करून सुद्धा काहीच उपयोग होत नाही। परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरल्याने परिसरातील नागरिकांना याचा मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे। यामुळे परिसरात साथीच्या आजारांनी देखील डोके वर काढले आहे। परिसरातील नगरसेवकांना फोन करून सुद्धा कोणी यायला तयार नाही असा आरोप। भोईवाड़ा वार्ड नंबर 12 से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम खलील अहमद जमील अहमद है। भोईवाड़े में कचरे के बहुत ज्यादा मसाइल है, सब कचरे रोड पर पड़े हैं, कोई नगर सेवक सही से आता नहीं है और उनको फोन लगाओ, यही देखिए नगर सेवक को फोन लगाओ तो बोलते हैं मैं सिविल में है और एक बोलता मैं कोर्ट में, उनको उनके मसले हल कर रहे और दूसरी जगह देख के हमने काम कराते तो काम कम कराते, फोटो ज्यादा खिंचाते हो। नगर सेवक लोग ये काम कर रहे और ये अभी कचरे का फोन लगाए उनको तो मुजाहिद भाई आए और डायरेक्ट दादागिरी कर रहे हैं हमारा जी सारी मुजाहिद अंसारी, ये कोई नगर सेवक के चमचे हो यहाँ पर आके डायरेक्ट दादागिरी कर रहे हैं। हम उनसे अच्छे से बात करें, वसीम मंत्री को फोन लगाए, वो ये एरिया का नगर सेवक है मगर वो बोल रहा फोन पे भोईवाड़ा कहाँ पर है, वो नगर सेवक हमने उसको बनाया और बोलता भोईवाड़ा कहाँ पर है, ऐसी सी बातें कर रहे। तो हमारी यही विनती है कि हमारा काम हमारी जो नाली है सब साफ बराबर करे जाए और जो कचरे सब बराबर उठाए जाए, रोज आना यहाँ पर आने होना साफ करने के लिए, हमारे यहाँ के बच्चे बीमार पड़ रहे, सब गरीब मोहल्ला है, कुछ इतने अमीर लोग नहीं रहते यहाँ पर, दवा खाने में खर्चा है, वो कौन करेगा फिर, वो हमारे हिसाब से फिर हम करेगा, वो बोलते झगड़े की बात कर रहे ये कर रहे। तो भाई परिसरातील नागरिकांनी केला आहे। परिसरातील नगर सेवक काम कमी आणि फोटो सेशन जास्त करतात असा देखील आरोप यावेळी माध्यमांशी बोलताना परिसरातील नागरिकांनी केला आहे। परिसरात लवकरात लवकर स्वच्छता व्हावी अशी मागणी देखील येथे करण्यात आली आहे। धुळ्याहून अब्दुल रहमान मलिक यांची रिपोर्ट, एक्सप्रेस 1 न्यूज।